और भी कोशिकावा के चीर फाड़ के देखा जाए, कोशिका को चीर फाड़ के देखा जाए। चलिए तो चीर फाड़ के जब देखा जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने आया। तो इसके कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज 1600। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब कैसे याद रहेगा भाई? तो किसी भी फल के अंदर देखिएगा तो उसके अंदर अधिकांश फल में क्या पाया जाता है? उसके अंदर बीज पाया जाता है। बीज का कलर ब्राउन होता है, भूरा रंग का होता है, होता है ना, हल्का सा भूरा। तो बीच में केंद्र है, तो केंद्र में केंद्रिका की खोज पूछेगा रॉबर्ट ब्राउन, मतलब भूरा। तो केंद्रिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन, जबकि पूरा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665। आप देखिए क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन। गोल्जी काय की खोज? कैमिलो गोल्जी। और ये क्या है? वैकुलस। इसको रसधानी कहते हैं। इसका का काम क्या है? कोशिका को विभाजन करना। सबसे अधिक हमारे शरीर में कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है, यकृत जिसको बोलते हैं। और सबसे कम कहाँ होगा? मस्तिष्क में। क्यों नहीं होता है ये भी बता दिए हैं, और यहाँ क्यों ज़्यादा होता है ये भी बता दिए। थोड़ा चीर फाड़ के जब देखते हैं, इसमें से सबसे मेन चीज़ कौन है जो सबसे कमांड देता है सबको? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपका क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में आपका डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम न्यूक्लियस को निकाल करके अलग रख दिए, कोशिका से निकाल करके अलग कर दिए। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को निकाल के हम अलग कर दिए। अब इस केंद्रक में कुछ वैज्ञानिक आया तो देखा कि इसका अपना द्रव है, द्रव है कि नहीं है। आ इसमें और ज़्यादा जूम करके देखा, जिसे जूम करने का मतलब कि वो सूक्ष्मदर्शी से देख रहा था, सूक्ष्मदर्शी से। अगर लो पावर का सूक्ष्मदर्शी है तो थोड़ा छोटा दिखाई देगा, हाई पावर क्या है तो और बड़ा जूम करके दिखाएगा। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इस केंद्र के अंदर अर्थात केंद्रिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, तो उसमें से कई को जूम करके पकड़ पकड़ के बाहर निकाला और देखा कि ये सब क्या है। तो देखा तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा था। जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया ना, उसमें से बाहर निकाल दी। इसमें जब जूम करके देखा तो कुछ इस प्रकार की आकृति उसमें दिखाई दे रही थी, ऐसे ऐसे कुछ आकृति उसमें दिखाई दे रही थी वैज्ञानिक ने। और इसी को जब ये जूम करके देखा तो सब दिखने लगा, तो इसका नाम क्या दे दिया? क्रोमोसोम। क्या नाम दिया गया? क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वाल्टेयर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वही क्रोमोसोम के सबसे पहले अवलोकन किसने किया था? वही किया था। हाफ मिक्सचर खोज देता है तो क्रोमोसोम की खोज हाफ मिक्सचर, हाँ ये भी देता है हाफ मिक्सचर। आ इसका नामकरण किसने किया कि क्रोमोसोम है? तो वाल्टेयर, वाल डेयर, वाल्टेयर या वाल्टेयर भी। तो देखिए क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर। आ न्यूक्लियस किसके अंदर? कोशिका के अंदर। आ कोशिका किसके अंदर? पूरे शरीर के अंदर। इतना समझ में आ रहा है कि सबसे अंदर में कौन रहेगा? क्रोमोसोम। आ क्रोमोसोम किसके अंदर में रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से मतलब कि अंदर रहेगा, न्यूक्लियस किसके अंदर में? हाँ, तो पूरे शरीर को अगर चीरेंगे तो क्या निकलेगा? कोशिका। कोशिका को चीर फाड़ के निकालेंगे तो क्या निकलेगा? न्यूक्लियस। आ न्यूक्लियस को चीर फाड़ के निकालेंगे तो क्या निकलेगा? क्रोमोसोम। कुछ ऐसा वैज्ञानिक आया कि यहू पर नहीं माना, वो खचरा था, वो और ज़्यादा जूम करके देखा कि अब हेकरा के बाहर निकाल लिया ही गो के, आज इसको अब जूम करके देख रहा है इसमें क्या है। इसमें इसको जूम करके देखा, देखा कि इसमें बहुत सारा चीज़ है। इसको भी जूम करके देखा तो इसका एगो कोनो पार्ट पकड़ लिया इसे, आ इसको लमला लमला के इसे खींचना चालू किया, खींचना चालू किया। तो जैसे जैसे खींच रहा था स्प्रिंग जैसा बन रहा था।
और अगर मतलब कि इतना थोड़ा सा खींचा तो स्प्रिंग जैसा बना, और इसको और ज़्यादा खींच दिया तो स्प्रिंग को देखें कॉलम में स्प्रिंग कैसा होता है, स्प्रिंग को खींचिएगा तो हल्का सा खींचिएगा तो स्प्रिंग की आकृति का रहेगा, और ज़्यादा खींचिए स्प्रिंग के, और ज़्यादा खींच दिए तो रस्सी जैसा बन जाएगा कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा क्रोमोसोम को खींचा तो स्प्रिंग जैसा दिखाई दिया, आ स्प्रिंग जैसा जैसे दिखाई दिया तो इसका नाम रख दिया कि ये क्या है ससुराल, डीएनए नहीं, डीएनए कैसे लिखा जाता है, डीएनए, ये देखा एकदम बड़ा करके जूम करके तो ये दिखाई दे दिया क्रोमोसोम में क्या है, ये डीएनए। अब फिर उसको आया कि डीएनए है, अगर इसको और खींचेंगे तो क्या होगा, एक और पकड़ के खींच दिया जोर से, अभी देखिए कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अब बताइए जब ये नज़दीक में था तो स्प्रिंग जैसा था, आ जब इसको पूरा धागा खींच दिया लमरा दिया तो देखिए कैसा बन गया, रस्सी जैसा बन जाएगा पोछ जैसा। तब तो इससे आगे बढ़ा तो देखा कि हसन बन रहा है भाई, आई जितना दूर स्प्रिंग वाला था इसको डीएनए नाम दे दिया, आ जब ये लमर गया तो इसका काम इसका यहाँ से यहाँ तक क्या नाम दिया, इसका जीन, फिर यहाँ से यहाँ तक जीन, फिर यहाँ से यहाँ तक जीन। तो जीन का खोज किसने किया, ये क्या है, जीन है, जीन का खोज जोहानसन, ये क्या है, जीन है, जीन का खोज जोहानसन। तो डीएनए का खोज किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने, डीएनए का खोज किसने किया, वाटसन एवं क्रिक, जबकि जीन का खोज किसने किया, जोहानसन ने, जीन का खोज जोहानसन ने किया था, जोहानसन, जीन का खोज किसने किया, आर डीएनए का खोज। अब देखिए सबसे तो बड़ा हमारा शरीर है, शरीर को चीर फाड़ के निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कोशिका, कोशिका को चीर फाड़ के निकालेंगे तो केंद्र में इसके न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस एंड केंद्र को चीर फाड़ करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, क्रोमोसोम को और बड़ा करके जूम करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, स्प्रिंग जैसा डीएनए, आ इसको और लमरा देंगे तो जीन, ओकरा बाद और लमरा देंगे तब क्या मिलेगा। अब एक कुछ वैज्ञानिक आया, देखा कि और इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, सब ठीक, हाँ अब इस सब लमरा लमरा के दिख रहा था, खींच खींच के लमराने का मतलब समझते हैं रबर को जैसे लमरा, अब ये और जूम करके देखा और नज़दीक से कि और कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसमें अंदर, तो और कुछ दिखाई दिया, ऐसा ऐसा आकृति था इसका, ऐसा आकृति के इसमें सब में दिखाई देने लगे, हाँ सब में दिखाई देने लगा। अब कहते हैं कि ये क्या है, अब देखिए अब इसको क्या चीज नाम दीजिएगा भाई, अब तो नाम दे दिए जीन, अभी सब जीन दे दिए, तो जीन जो होता है अनुवांशिक क्या होता है, इकाई होता है, सबसे छोटा अभी तक ले क्या है, जितना बता दिए, सबसे छोटा, सबसे बड़ा कोशिका, कोशिका से छोटा केंद्रक, आ केंद्रक से छोटा डीएनए, आ डीएनए से छोटा जीन। तो हम क्वेश्चन अगर पूछे कि अनुवांशिक इकाई किसको कहते हैं, जीन को, जब माता पिता का गुण बच्चों में जा रहा है तो ये उसको अनुवांशिक कोड बोलते हैं, और उसी को अनुवांशिक कोडवा को हिंदी में क्या कहते हैं, जीन। तो माँ बाप का लक्षण बच्चा में जाता है किसके माध्यम से, यह जीन के माध्यम से जाता है, समझ में आ रहा है ना, यही जीन के माध्यम से। तो अब यहाँ जीन के माध्यम से जब जा रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छा से अब बनाते हैं आकृति, इसको देखिए सबसे पहले देखिए जैसे ही क्रोमोसोम है, इसको जब बड़ा किया सूक्ष्मदर्शी से तो ऐसा दिखाई देने लगा, ये वो के बड़ा कीजिएगा तो देखिए कैसा दिखाई देगा, जब छोटा था तो कैसा दिखाई दे रहा था, एक्स के आकार के, आ इसका नाम क्या है, क्रोमोसोम, नाम क्या है, आ जब बड़ा करके देखा तो देखिए एक्स के आकार के दिखाई दे रहा है, यही है आपका वास्तविक क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम है। आ इसी क्रोमोसोम के एगो आकृति को धर के जब खींचा तो खींचा तो क्या बन गया, इसको जब खींचा इधर तो ये देखिए ऐसे बनने लगा, यहाँ से खोल के इसको खींचा तो एगो इधर वाला जाएगा, आ एगो है इधर वाला जाएगा, आ जब स्प्रिंग की आकृति के हो गया तो इसको क्या कहा, डीएनए।
अब दो गो जा रहा है, एगो इधर वाला जा रहा है रस्सी, एगो नीचे वाला जा रहा है रस्सी। रस्सी का मतलब कि उसका क्या है, ये क्रोमोसोम है, इसमें लिख दें क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को इधर वाला पकड़ के खींचा तो एक बार वाला मर गया, फिर इधर वाला तो बच गया। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे तो इधर वाला एगो बच गया, इसको खींचा एक बार, इसको खींचा, दोनों को खींचा तो एगो खींचा ऐसे चला गया, और दूसरा जब खींचा तो दूसरा ऐसे चला गया। देखिए अब इसको और जूम करके देखा तो इसमें ऐसे पाया गया कुछ आकृति पाया गया। आप बताइए कि डीएनए, देखिए सबसे बड़ा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को लमरा दिया तो क्या बना, डीएनए, और डीएनए को लमरा दिया तो क्या बना, इतना दूर ये क्या कहेंगे, जीन। फिर इसको क्या कहेंगे, जीन। इसको क्या कहेंगे, जीन कहते हैं। अब जीन के भी अंदर देखा कि जूम करके क्या पाया जाता है, तो इसमें बहुत सारा ऐसे लंबा लंबा आकृति के दिखाई दे रहा था, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। दिखाई दे रहा है वीडियो वाले लोग को, दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोटाइड, दिखाई दे रहा है, लिखे हैं। तो जब जीन को और ज़्यादा जूम करके देखेगा, बड़ा करके, तो जीन के अंदर क्या होगा, इसीलिए क्वेश्चन वो बार बार पूछता है कि बड़ा आकार में रहेगा तो डीएनए, और छोटा आकार में रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड। तो पूछता है कि डीएनए के इकाई को क्या कहते हैं, तो डीएनए से छोटा जीन, और जीन से छोटा न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए के इकाई को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब समझ में आया कि क्यों इकाई कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड, इसमें ये जो पाया जा रहा है लंबा लंबा क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के इकाई को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में किसके साथ छेड़छाड़ किया था, भाई जीन के साथ छेड़छाड़ किया था। अब इसको थोड़ा सा और हम जूम कर दें, अब थोड़ा सा जूम कर दें, और अब चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं इसको। क्रोमोसोम को जब खींच रहा था तो देखिए दो गो रस्सिया रहा था, एक गो रस्सिया ऐसे आ रहा था, हाँ उसके बाद ऐसे जा रहा था, एगो दूसरा रस्सी आ रहा था तो पहले ही स्प्रिंग जैसा आया इस पर, हाँ उसके बाद में इसको काट कर जाने लगा इससे। इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वाला आकृति को, इसको बोलते हैं डीएनए। आ जब डीएनए से आगे बढ़ जाएंगे तो ये जब लमरा दिया और, तो इसको क्या बोलेंगे, जीन। तो इधर भी जीन होगा, ऐसे बहुत सारा जीन होगा, बहुत सारा जीन होगा, लेकिन एक जीन काफ़ी है एक गुण से दूसरे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने गुण को ले जाने के लिए क्या काफ़ी है, एक जीन काफ़ी है। इस जीन के अंदर जो ये चीज़ पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो गया, लीजिए हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब समझ में आ रहा है न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक समझ में आया, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो चार प्रकार के केमिकल से मिल के बना होता है। अब एक गोरा देखा कि अब ए हूँ, एम एस ए गोरा निकाल लिए, ए गो को खींचेंगे तो ऐसा ही ना निकलेगा। अब एकरा के फिर लमरा के, लमराने का मतलब क्या, मानी कि सूक्ष्मदर्शी से और बड़ा करके देखा कि इसके अंदर भी कुछ नहीं ना है, एकरा अंदर हुआ तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ पाया गया, चार गो केमिकल पाया गया। आ वो केमिकल कैसा पाया गया, द्रव अवस्था में, क्यों द्रव अवस्था में पाया जाएगा भाई, तो न्यूक्लियोटाइड किसका भाग है, जीन का, आ जीन किसका भाग है, डीएनए का, आ डीएनए किसका भाग है, क्रोमोसोम का, आ क्रोमोसोम किसका भाग है, केंद्रक का, आ केंद्रक के अंदर क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। तो ये द्रव आकृति में ये सब पाया जाता है, तो इसलिए बोलते हैं डीएनए को डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो क्या डीएनए एक अम्ल है, क्या डीएनए एक अम्ल है, तो क्वेश्चन एग्जाम में एगो पूछा था कि पिता का गुण पुत्र के अंदर जाने ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है, ऑप्शन दिया था क्षार, बेस, अम्ल, बेस नहीं, क्षार, लवण, अम्ल, इनमें से कोई नहीं, सब कह सब लोग बोल रहे थे क्वेश्चन ही गलत है भाई,
अम्ल कहीं ले जाता है, लेकिन उसको दिमाग में नहीं था कि ये द्रव अवस्था में भरा हुआ है केंद्रक, आ केंद्रक के अंदर है गुण सूत्र, आ गुण सूत्र को लमराएंगे तो बनेगा डीएनए, तो ये द्रव का होगा। आ कौन सा द्रव? डाई न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो जब ये एसिड है तो यही ना, इसी का ना और छोटा भाग जीन हो गया, जीन का छोटा भाग क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये न्यूक्लियोटाइड के इसमें से एक गो न्यूक्लियो, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं, एक गो न्यूक्लियोटाइड को जब बाहर निकाल के इसको जब बड़ा करके देखेंगे कि इसमें कुछ नहीं है, तो चार प्रकार के इसमें पाए गए, चार गो केमिकल पाया गया। अब कितना उसमें वैज्ञानिक छोड़ता है सब, जितना एगो अगर आपका कहीं से कुछ मिल गया, याद है आपको अजीत डोभाल का भारत के क्या सुरक्षा परिषद है अजीत डोभाल, हाँ ये पाकिस्तान में गए थे बहुत दिन तक जासूसी किए थे, वहाँ के जो नारा था ना पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको वैज्ञानिक, वो बाल कटवाने दाढ़ी बनवाने तो उनका बालवा दरिया सब बिटोर बिटोर चमकी में पागल जैसा, अब भारत में भेज रहा था उसको सर्च करने के लिए परमाणु के उसमें कौन पाया जाता था उसके बालवा में, तो वैज्ञानिक बाल का खाल खींच लेता है, यहाँ तक समझ में आया। इसको भी देखा कि अब इसमें तो कुछ नहीं रहे, अब कितना लम रहेगा इसको, इसको भी देखा तो इसमें चार प्रकार के क्या पाए गए, केमिकल पाएगा, जैसे चार प्रकार के कौन कौन केमिकल पाएगा, तो ATGC, एडिनिन, एक मिनट, ATGC बोलते हैं एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, ATGC इसको बोलते हैं ATGC, तो इसमें चार को पाया गया ATGC, क्या पाया गया ATGC, एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, ये थायमिन पूरा लिख दें, चलिए एडिनिन ए से एडिनिन, हाँ उसके बाद में देखिए किधर गया थायमिन, उसके बाद जी से गुआनिन, हाँ उसके बाद सी से साइटोसिन। अब देखिए कि चारों जो पाया गया किसमें पाया गया, जीन के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड पर पाया गया, यानी जीने के अंदर ना पाया गया, आ जीनवा किसके अंदर है, डीएनए में, तो ये डीएनए में चार गो केमिकल पाए जाते हैं, अब बताइए चारों के नाम कौन कौन, एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, तो डीएनए में चार गो केमिकल कौन कौन, एडिनिन थायमिन गुआनिन और साइटोसिन, लेकिन पूछता क्वेश्चन वहाँ कहाँ है तो थोड़ा सा और खोर के पूछता है, यहाँ जानता है कि चारों याद कर जाता है सब, चारों याद कर जाता है सब, तो डीएनए में तो ये चारों पाया जाता है, जब एग्जाम में पूछेगा तो डीएनए वाला नहीं पूछता है, वो पूछता है कि आरएनए में साइटोसिन के जगह पर क्या पाया जाता, ओ सॉरी आरएनए में थायमिन के जगह पर क्या पाया जाता है, आरएनए में सब पाया जाएगा लेकिन थायमिन नहीं पाया जाता है, इसके जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल या यूरेसिल होता है शायद, तो यूरेसिल पाया जाता है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि आरएनए में आपका इन चारों केमिकल में से कौन नहीं पाया जाता है तो थायमिन, और थायमिन के जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल, से टूट मारते हैं आप लोग, मिलता है ये सब क्वेश्चन, मिलता है कि नहीं, ये जब सेट मारिए तो मिलेगा आरएनए में थायमिन से, थायमिन के जगह पर कौन पाया जाता है तो यूरेसिल, थायमिन के जगह पर यूरेसिल, ये चार को केमिकल याद हो जाएगा, चारों के नाम बताइए आप लोग, आरएनए अभी नहीं पढ़ना है, आरएनए बाद में पढ़ेंगे, डीएनए में चार को केमिकल पाया जाएगा कौन कौन, एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, शॉर्टकट में ATGC, क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, क्या बोलेंगे ATGC, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको ATGC, शॉर्टकट में ATGC। अब इसमें क्या होता है कि एडिनिन किसके साथ जुड़ा रहता है,
थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। आ गुआनिन जो जुड़ा रहता है किसके साथ, ये किसके साथ जुड़ा रहेगा, साइटोसिन कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार, यानी कि एडिनिन और थायमिन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आ गुआनिन और साइटोसिन के साथ, ये पूछता है गुआनिन साइटोसिन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है भाई, लॉ केमिस्ट्री की बात है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड मतलब बंधन, एक दूसरे से बांध के रखने वाला। जैसे कागज को अगर मान के चलिए दीवार में बांधना है, तो कागज दीवार में बांधाएगा थोड़े रस्सी जैसा, लेप लाइए लगा दीजिए, कागज सार दीजिए, बना गया उसके साथ, तो कागज को दीवार के साथ बॉन्ड बन गया। एक बार लेप लेके लगा दीजिए, डबल लेप लगा दिए तो डबल बॉन्ड हो गया, तीन बार लेप लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो सबसे मजबूत एक बार वाला लेप कि तीन बार वाला लेप, तीन बार वाला लेप, तो मजबूत कौन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होता है डबल बॉन्ड की अपेक्षा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बॉन्ड जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से उसमें बताएंगे। आप जैसे देखिए बोझा बांधने तिलहन, तिलहन के बोझा होता है ना, तो एक आद किसी किसी को देखिएगा कि एक वो अपना रस्सी लेगा, एक वो बीचवा में बांध के लेके माथ पर लेके चल देगा अपना, तो सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ कि नहीं। एक गोरा क्या करेगा, तिलहनों का फुलनिया और ही बनेगा, आ एगो जारवा और ही बनेगा, दो गो रस्सी बांधता है तो वो डबल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल वाला बॉन्ड से डबल वाला मजबूत हुआ कि नहीं, रास्ता में सिंगल वाला टूटा तो ले पूरा एकदम ले पर पूरा फैल गया, फैल जाता है कि नहीं। आ डबल बॉन्ड में रास्ता में एगो टूटी हो गया तो एगो पकड़ा हुआ है चला जाएगा द्वार पर, माथ पर लेकर चले जाएंगे, नहीं ध्यान में आ रहा है। तो एक गो रस्सी से बांधेंगे तो सिंगल बॉन्ड, आ जब दो गो रस्सी से बांधेंगे तो डबल बॉन्ड, आ तीन गो रस्सी से कोनो कोनो बांध देता है, सब देखे हैं नहीं देखे हैं, किसी किसी को देखिए तो बीचों में एक गो बांध देता है। अरे देखिए अब समय आ रहा है ना, देख लीजिएगा सड़क पर खड़ा हो जाइएगा, आज जितने सारे लोग मजदूर लोग होते हैं, जैसे मान मजदूर का मतलब हम ही लोग होते हैं, खेत में जाएंगे आज जब तिलहन काटेंगे ना, तो हम ही लोगों में से कोई क्या करता है कि एक ही गो रस्सी पर बांध के लेके चल देता है जल्दी जल्दी। तो जब एक गो रस्सी पर बांधा तो सिंगल बॉन्ड, तो केमिस्ट्री में उसी को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। आ दो गो रस्सी लगा दिया, एक गो जर ओरी बांध दिया हम के, एक गो फुल तिलहन नहीं देखे हैं, बकलोल कहीं के ध्यान में नहीं आ रहा है आप लोग, हैं तिलहन सब लोग देखा हुआ है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे तिलहन फरे हुए रहते हैं, आई तिलहनवा काट के एगो बोझा बना दिए ठीक, आइए में एगो अगर खाली बीच में रस्सी से बांध के माथ पर लेके चल दिए, यहाँ बांध दिए माथ पर लेके चल दिए, अब लेके जाएंगे तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, कहीं खुल सकता है टूट सकता है, तो एक बार बांधे तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। एक आदमी कोई कोई क्या करता है कि जारवा और भी बांध देता है यहाँ पर, आई फुलनी और ही बांध देता है यहाँ पर, तो है थोड़ा सा पतला हो जाता है, आ तब माथ पर लेकर जाएगा, ले जाने में आसान होता है। तो कौन सा बॉन्ड मजबूत, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा ही दिख रहा है, तीन गो रस्सी बांधेंगे तो मजबूत हो जाएगा, दो गो रस्सी बांधेंगे तो उससे थोड़ा कमजोर है, एक गो बांधेंगे तो सबसे कमजोर, तो ये हो गया बॉन्ड। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और ज़्यादा खखोर के हम लोग इसमें पढ़ेंगे, चलिए खाली हाई ध्यान क्या चीज़ बोले, वही चलिए ये समझ में आ गया, एडिनिन के साथ थायमिन, गुआनिन के साथ, ये चारों केमिकलवा कहाँ पाया गया, और एगो आपका ये न्यूक्लियोटाइड, ससुर सर का नाम नहीं मिल रहा था तो हमसे पूछता आसान आसान नाम देते, न्यूक्लियोटाइड जब मिल गया एगो तो इसमें चार गो केमिकल ATGC एडिनिन के साथ थायमिन डबल, गुआनिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल। अब ये चार गो कैसे जुड़ा रहता है, अब ये एडिनिन ये गुआनिन ये साइटोसिन ये थायमिन ये एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन ऐसे नहीं जुड़ता है, अब उसमें कैसे जुड़ता है देखिए, हाँ एगो आपका न्यूक्लियोटाइड हुआ ना इसमें चारों पाया जाता है, जैसे खींचे है ना ये गो ऐसे इसमें चार गो दिखाई दिया और जुड़ा कैसे था देखिए आप दिखा रहे हैं, जैसे ये गो हो गया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चाहे नीचे से स्टार्ट कर दे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इतना दूर तक जाएगा तो ये हो गया आपका एडिनिन,
ठीक। आयोडीन के साथ कौन जुड़ेगा? एकरा अगवा रहेगा फिनोथाइमिन। और थाइमिन के साथ कौन जुड़ेगा? यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद मिलेगा गुआनिन। अब गुआनिन मिला तो इसके साथ गुआनिन जुट गया। गुआनिन के साथ कौन जुटेगा? साइटोसिन। तो एक आगे रहेगा साइटोसिन। तो अब जाके देखा तो दिखा कि चार गो इसमें दिख रहा है। तो ये रहेगा एडिनिन, तो ये रहेगा थाइमिन। तो एडिनिन के साथ कौन जुटेगा? ये नहीं कि एडिनिन के साथ ये गुआनिन हो जाएगा, नहीं, गुआनिन एक साइड रहेगा साइटोसिन के साथ। एनएस रहेगा गुआनिन आई साइटोसिन, जबकि एनएस रहेगा गुआनिन और थाइमिन रहेगा। और जब इसको बिचवा में से ऐसे मिटा देंगे तो ये आधा बच गया। ये आधा बचा, ये जब आधा बच गया ऐसे, तो इसी को बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं? आ जब पूरा था तो डीएनए। तो अब बताइए कि जब आधा बच गया तो उसका डीएनए में दोनों तरफ से बॉन्ड था, दो गो रस्सी था, ए में एक गो रस्सिया है। तो अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, इस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने में आसानी होगा कि दोनों ओर से जो बांधा था उसको तोड़ने में आसानी होगा? इसको आसानी होगा, इसके एक साइड से बांधा हुआ है। इसीलिए जितने वायरस, जैसे कोरोना वायरस था, उसमें क्या पाया जाता था? डीएनए नहीं पाया जाता था, आरएनए पाया जाता था। और जब आरएनए टूटने में आसान है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी आसान होगा, उस सब चीज़ में आसान होता था। बनाने में भी कोशिका इसका आसान होता था। एक बार समझ लिया क्या बनाना है कोशिका? कोरोना धराधर आरएनए छाप देता था। तो आरएनए के बारे में कल बताएंगे। आप लोग केवल इतना याद करके आइएगा जितना आज बता दिए। डीएनए में कौन गो आपका केमिकल? कौन कौन? एटीजीसी, एटीजीसी, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एटीजीसी याद रखेंगे, एडिनिन, उसके बाद थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडिनिन के साथ थाइमिन का कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड, दो गो रस्सी बनेगा, ठीक। गुआनिन के साथ साइटोसिन कै गो? ट्रिपल बॉन्ड, तीन गो रस्सी। अब दोनों मजबूत कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत, जितने ज़्यादा रस्सी बांधते जाइएगा उसका बॉन्ड उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आज जितने रस्सी खोलते जाएंगे बॉन्ड कम होते जाएगा, उतना ही वह कमज़ोर होते जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।